फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलवेजर। दोस्तों, आज मैं आपको फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल, पैराग्राफ, टेक्स्ट, इन सबों के मिक्स पार्ट मैंने बनाए हैं, जो मैंने पिछले पार्ट्सों में दिए थे आपको 10, 11, 12, 13, इन सबों को मिलाकर एक मिक्स पार्ट बनाया है। उनके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके सामने नई नई वीडियो ला सकूं और कुछ अलग तरीके की वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ये पैराग्राफ्स दिए गए हैं एंड ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमको इसको वन बाय वन करके हल करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ के टेक्स्ट के मध्य कैरेक्टर स्पेस 1.50 पॉइंट दीजिए। तो दोस्तों, हम तीसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। ये पहला, ये सेकंड एंड ये थर्ड। दोस्तों, हमें जैसे कि ये एक वर्ष हो गया, हमें इसके मध्य यानी इसके मध्य स्पेस बढ़ाना है, तो हमें ये काम पूरे पैराग्राफ में करना है। तो हम इस पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम होम टैब में चले जाएंगे एंड फॉन्ट ब्लॉक में दोस्तों ये डाउन एरो वाला ऑप्शन रहा, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इसको क्लिक करने के बाद हम ये दोस्तों एक कैरेक्टर स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों हमें इसकी साइज 1.50 पॉइंट करनी है। तो दोस्तों, ये स्पेसिंग वाले के सामने जस्ट ये वाई लिख रखा है, हम यहाँ पर कर्सर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कीबोर्ड की सहायता से 1.50 पॉइंट टाइप करके ओके करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, इनके मध्य गैप हो चुका है, सबों के मध्य, ठीक है दोस्तों। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ पर हाईलाइट वर्ड का फॉन्ट पेस एरल नेरो कीजिए। दोस्तों, हम चौथे पैराग्राफ पर चलते हैं। ये पहला पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। दोस्तों, हमारे सामने ये रहा हाईलाइट, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम होम टैब में जाएंगे एंड ये फॉन्ट वाले ब्लॉक में दोस्तों ये रहा फॉन्ट फेस वाला ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एरल नेरो ढूंढेंगे। दोस्तों, ये रहा एरल नेरो, हम इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये इसका फॉन्ट फेस चेंज हो चुका है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टेबल की सेल के मध्य स्पेसिंग 0.3 कीजिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं टेबल पर, हमारी ये रही टेबल, हम इस पूरे टेबल को यहाँ ये प्लस का मार्क हो रहा है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हमें ये लेआउट वाला ऑप्शन दिख रखा है टेबल टूल्स के अंदर, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और दोस्तों और ये टेबल वाले ऑप्शन पर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों, यहाँ देखिए, हमें यहाँ पर टेबल क्लिक हो रहा है एंड इसके नीचे जस्ट ऑप्शन लिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स पर क्लिक करेंगे और इसकी साइज 0.3 पर क्लिक करके ओके कर देंगे। दोस्तों, ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारी टेबल हो चुकी है। उसके बाद में हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, अंडरलाइन क्यूए मैटर को टीएल कलर से हाईलाइट कीजिए। दोस्तों, हम पहले पैराग्राफ पर चलते हैं और ये रहा हमारा अंडरलाइन क्यूए मैटर, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड होम टैब में जाकर फॉन्ट वाले ब्लॉक में दोस्तों ये रहा हाईलाइट कलर, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों ये रहा टीएल कलर, हम इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों ये देखिए, ये टीएल कलर से हाईलाइट हो चुका है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ के लाइन स्पेसिंग डबल कीजिए। दोस्तों, हम दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। ये रही मेरी पहली पैराग्राफ और ये रहा सेकंड पैराग्राफ, हम इस सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाएंगे एंड दोस्तों ये पैराग्राफ ब्लॉक में हम ये डाउन एरो पर क्लिक करेंगे
एंड दोस्तों ये लाइन एंड स्पेसिंग लिख रखा है एंड इंडेंट स्पेसिंग लिख रहा है, हमें इंडेंट्स एंड स्पेसिंग पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों ये स्पेसिंग वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग इस पर ओके करना है, और यहाँ से डबल सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। दोस्तों ये देखिए ये डबल हो चुका है। और हमारा छठा क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ में अंडरलाइन किए गए वर्ड की पोजीशन 7 पॉइंट राइज्ड कीजिए। तो हम चौथे पैराग्राफ में चलते हैं दोस्तों। पहला पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। दोस्तों ये रहा हमारा अंडरलाइन किया हुआ मैटर, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड होम टैब में जाकर दोस्तों ये फॉन्ट वाला ऑप्शन रहा, इस पर क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों हमें इसकी पोजीशन राइज करनी है, तो हम दोस्तों ये फॉन्ट और ये कैरेक्टर स्पेसिंग, हम कैरेक्टर स्पेस पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों ये पोजीशन पर क्लिक करेंगे और राइज पर क्लिक कर देंगे। राइज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें इसकी साइज 7 पॉइंट करनी है, 7 पॉइंट करके इसको ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखिए ये ऊपर की तरफ नीचे चुके जिसको हमने सिलेक्ट किया था। हमारा सातवां क्वेश्चन है, पांचवें पैराग्राफ की इंडेंटेशन हैंगिंग 0.9 सेट कीजिए। तो दोस्तों हम पांचवें पैराग्राफ पर चलते हैं। ये रहा पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फाइव। हम इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में चलते हैं एंड दोस्तों ये पैराग्राफ ब्लॉक पर डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में जाकर हमें इंडेंटेशन पर जाना है और जो तो स्पेसिंग लिखा हमारा है हमें इस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों हमें हैंगिंग सेलेक्ट करके इसकी लाइन स्पेसिंग 0.9 सेट करनी है, तो हम इसको कीवर्ड की सहायता से 0.9 सेट करके इसको ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखिए हैंगिंग के अंदर दोस्तों पहली लाइन को छोड़ के बाकी लाइन हैंगिंग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। हमारा आठवां क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ में आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट कीजिए। दोस्तों हमें फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन सेट करना है, वो भी तीसरे पैराग्राफ में। हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में, ये पहला पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ एंड ये तीसरा पैराग्राफ। हम इस तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे एंड होम टैब में जाएंगे, फिर फॉन्ट वाले ब्लॉक में दोस्तों ये डाउन एरो पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों ये फॉन्ट वाले पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये रहा आउटलाइन, हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखिए पूरे पे आउटलाइन इफेक्ट हो चुका है। हमारा नौवां क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ में बोल्ड कीवर्ड टेक्स्ट की पोजीशन लोफरेट 9 पॉइंट कीजिए। तो दोस्तों हमें चौथे पैराग्राफ में बोल्ड कीवर्ड टेक्स्ट की पोजीशन लोफरेट 9 पॉइंट करनी है। ये रहा हमारा पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ और ये चौथा पैराग्राफ। और दोस्तों ये रहा हमारा बोल्ड को मैटर, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाएंगे और दोस्तों हम डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग है एंड स्पेसिंग में जाकर हम इसकी पोजीशन पर क्लिक करेंगे और लोवर्ड क्लिक करेंगे। लोवर्ड क्लिक करने के बाद हमें इसकी 9 पॉइंट सेट करनी है, तो हम 9 पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखिए ये नीचे आ चुका है, यानी इसकी पोजीशन लोवर्ड हो चुकी है। एंड हमारा दसवां क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ में रेड कलर से हाईलाइट टेक्स्ट की कैरेक्टर स्पेसिंग कंडेंशन 2.5 कीजिए। तो दोस्तों हम पहले पैराग्राफ में चलते हैं
ये रहा हमारा पहला पैराग्राफ और ये रहा हमारा रेड कलर से हाईलाइट मैटर। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाएंगे और दोस्तों ये फॉन्ट वाले ब्लॉक में डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमें इसकी पोजीशन कंडेंसेंट सेट करनी है। तो दोस्तों हम स्पेसिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और कंडेंसेंट पर क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखिए आपस में चिपक चुका है। कंडेंसेंट 2.5 भी करनी है तो हमें इसके पॉइंट भी बनाने हैं। तो हम फिर से पैराग्राफ पर जाएंगे। हम इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से होम टैब में जाएंगे एंड फॉन्ट वाले ब्लॉक में जाके डाउनर पर क्लिक करेंगे और दोस्तों ये कंडीशन 2.5 करनी है तो हमने एक कंडीशन कर रखी है। हम इसको कीबोर्ड की सहायता से 2.5 करके ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखिए ये बिल्कुल आपस में हो चुके हैं, बिल्कुल पास में हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एंड हमारा 11वां क्वेश्चन है, छठे पैराग्राफ के हाईलाइट टेक्स्ट पर शेडो इफेक्ट दीजिए। तो दोस्तों ये हमारा पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। दोस्तों ये हमारा छठा पैराग्राफ है, हम इसके हाईलाइट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट इफेक्ट होम टैब में जाएंगे, फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इस पर क्लिक करेंगे एंड फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ शेडो इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखिए हाईलाइट पर शेडो हो चुका है। 12वां क्वेश्चन है हमारे पहले पैराग्राफ में लेफ्ट एंड कीजिए। ये रहा हमारा पहला पैराग्राफ, हम इस पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे एंड पेज लेआउट में जाएंगे एंड दोस्तों इसकी ये रहा इंडेंट वाला ऑप्शन पैराग्राफ वाले ब्लॉक में, हम इसका इंडेंट 0.5 कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखिए लेफ्ट इंडेंट 0.5 हो गया है। हमारा 13वां क्वेश्चन है छठे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 3.5 कीजिए। दोस्तों ये रहा हमारा छठा पैराग्राफ, हम इसकी लाइन स्पेसिंग 3.5 करनी है तो हम इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाके दोस्तों ये रहा पैराग्राफ वाला ब्लॉक, यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और ये लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3.5 क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा 14वां क्वेश्चन है तीसरे पैराग्राफ पर ओनली वर्ड पर अंडरलाइन कीजिए। दोस्तों हम तीसरे पैराग्राफ पर चलते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड ये थर्ड पैराग्राफ, हम इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। हमें केवल वर्ड पर सिलेक्ट करना है, हम होम टैब में जाएंगे और दोस्तों ये फॉन्ट वाले ऑप्शन पर अंडरलाइन करा, हम मोर अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे एवं दोस्तों ये देखिए अंडरलाइन स्टाइल पर जाएंगे एंड वर्ड्स ओनली पर क्लिक करके ओके कर देंगे। दोस्तों ये देखिए केवल वर्ड्स पे ही अंडरलाइन हो रहा है।